हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू नदर वीडियो आई होप यूर लो डुंग फाइन एंड टाइटल्स आप लोग पढ़ चुके आज का वीडियो क्या होने वाला है तो काफ़ी बार इन द पास्ट मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर रिकेमेंडेशन शेयर करती हूँ रूटीन शेयर करती हूँ शॉर्ट्स पर भी काफ़ी सारे स्किन के प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ बट जब भी कॉमेंट्स आते हैं ना एक चीज़ जो बहुत ज्यादा कॉमन रहती है वो है अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं रीयूज करती रहती हूँ करती रहती हूँ हंड्रेड रुपीज़ है बट ये, ये सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज है बहुत अच्छा काम करते हैं तो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर प्रोडक्ट्स अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर योर स्किन दैट एक्चुअली वर्क दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू मेक श्योर यू वॉच इट टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू माई चैनल टेक अ मोमेंट That red subscribe button now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. मैं एकदम रैंडम ऑर्डर में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे हाथ में पहले आ जाए वो पहले दिखा दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के एम आर पीज मैं स्क्रीन पे दे दूंगी एंड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आउट यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट इज दिस गार्नियर का माइसेलर वाटर स्पेशलिज ऑयल इनफ्यूज वर्जन जो इसका विदाउट ऑयल वाल वाला पिंक वर्जन है वो इससे भी ज़्यादा सस्ता आता है बट वो वाला प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ टू वॉश माई ब्रशेज बिकॉज आई वेयर मेकअप एंड इवन इफ आई वेयर सनस्क्रीन आई फील ये जो ऑयल वाला माइसेला वाटर है ये आपकी स्किन को ज्यादा अच्छे से क्लेंस करता है तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में जरूर आपका एक माइसेलो वाटर या क्लेंजिंग माम होना ही चाहिए एंड दिस इज द माइसेलो वाटर दैट आई विल रेकमेंड क्योंकि इससे बहुत अच्छे से आपका सनस्क्रीन और मेकअप सब कुछ रिमूव हो जाता है तो डबल क्लेंजिंग के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट इज अ वाइटमिन सी सीरम फ्रॉम डॉटिन की ना इस प्रोडक्ट को तो मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ एंड मेरी बहुत सारी वीडियोज और शॉर्ट्स में ये प्रोडक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो बिकॉज दिस इज अ रियली रियली इफेक्टिव वाइटमिन सी सीरम टेन परसेंट वाइटमिन सी प्लस एंड इसमें 5 भी है, तो आपकी को बहुत, अच्छा तो बहुत ज्यादा well. तो तो सालों से यूज कर रही हूँ स्टिल इट इज इन माई वैनिटी सो इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ नेक्स्ट इज ए लिप बाम जो मैं लिटरली खत्म कर चुकी हूँ एंड आई कैन नॉट ट्विस्ट इट एनी मोर बिकॉज इट इज एम टीड एंड इज हाउ मच आई लव दिस

इंसपायर्ड ऑफ हैविंग सो मेनी लिब्बाम्स इन माई वैनिटी अभी क्योंकि हम लिब्बाम की बात कर ही रहे हैं तो आई हैव अनादर वन विच इज दिस प्लम का कैंडी मिल्स लिबाम आई हैव एन ऑब्सेशन फॉर दिस लिब्बाम फॉर हाउ गुड इट टेस्ट एंड स्मेल ऑल द यू आर नॉट सपोज टू ईट योर लिब्बाम बट दिस वन इज डिलिशियस मतलब ये एकदम ही कैंडी ही लगता है दिस वन इज इन द वेरियंट मिंट ओ कोको बट मैं इसके सारे ही वेरियंट्स ट्राई कर चुके हैं सारे ही वेरियंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं दे आर दे आर वेरी वेरी स्वीट तो अगर जैसे कुछ लिप बाम्स होते हैं ना जो बेटर सा टेस्ट दे देते हैं आपके माउथ में एंड इट जस्ट फील्स तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड प्लस इट हाइड्रेट्स योर लिप्स ब्यूटिफुली सो ये काफ़ी अच्छा एकदम थिक एक लिप बाम है जिसको मैं लिप मास्क की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ रात में आई अप्लाई यू नो थिक लेयर ऑन माय लिप्स एंड सुबह मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और नरिश्ड रहते हैं इससे मेरे चैप्ट लिप्स की प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड लिप बाम ओके नेक्स्ट आई है रोज़ वाटर फॉर यू गाइज ये है लव अर्थ का प्योर रोज़ वाटर इस ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल रोज वाटर है इस के इंग्रेडिएंट्स में भी सिर्फ वाटर ग्लिसरीन और रोज ऑयल है सो so ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है ऑल्सो क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है तो इसको मैं ना मेकअप के बीच में भी कभी कभी स्प्रेड्स कर लेती हूँ इफ़ माई बेस इज़ फीलिंग ड्राई तो ये उसको भी थोड़ा बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है बट एज़ अ टोनर ऑल्सो इट वर्कस रियली रियली गुड एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है इज़ द मिस्ट इट इज़ सुपर 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 फाइन तो इवन अगर आप इसको मेकअप के ऊपर स्प्रेड्स कर रहे हो फॉर हाइड्रेशन या आपके फेस पे ऐसे ड्रॉपलेट्स नहीं छोड़ता है बहुत ही ज़्यादा इवनली आपके फेस पर यह मिस कर देता है रोज वाटर एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है लिटरली यू विल स्मेल लाइक प्योर रोजेज बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को एक्टिव्स वाले टोनर्स नहीं पसंद आते हैं सो रोज़ वाटर इज़ योर बेस्ट बेट एंड दिस वन इज़ रियली रियली गुड बट इफ योर सम जो टोनर्स यूज करता है चेक दिस वन आउट दिस इज़ द डॉट एंड की का वाटरमेलन पोर टाइटनिंग टोनर अभी ये पैक डिस्प्ले है बिकॉज आई एम करेंटली यूजिंग अ डिफरेंट टोनर एंड आई नीड टू फिनिश दैट आप आपने मेरे वीडियोज़ में देखा है कि डॉटन की के प्रोडक्ट तो मैं कितने सालों से यूज़ कर रूँ एंड आई स्टिल हैव दिस इन माई स्टॉक क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें ग्लाइकॉलिक uh, एसिड है तो ये अगेन क्योंकि ए एच ए है ना तो आपकी स्किन को हल्का हल्का एक्सपोलिएट करता है बट इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग तो ये आपको इरिटेशन नहीं करेगा बट आपको बहुत अच्छा एक ईवन टोन प्रोवाइड करता है एंड इफ़ यू हैव छोटे 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 बम्स होते हैं ना किसी किसी के फेस पे तो आपको ये टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपके पोर्स को भी एक टाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है तो डॉटिन की के सारे टोनर्स के रेंज में से मुझे ये वाला टोनर सबसे ज़्यादा पसंद है एंड इट इज़ अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट यू शूड चेक इट आउट नेक्स्ट इज़ अ मॉइस्चराइज़र फ्रॉम प्लम दिस इज़ देयर ग्रीन टी वाला मॉइस्चराइज़र एंड ये वाला जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड मेरा भी खत्म ही होने वाला है एंड दिस इज़ अच्छा लाइट वेट मॉस्चराइजर एंड देखो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया तो so, अगर आपके ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इवन जब मेरे एक्ने हो रखे थे ना उस टाइम पे भी ये मेरे को अच्छे से सूट करता था एंड इट इज मेंट फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली आंकने परोन स्किन तो या ये काफी ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन को स्टिकी नहीं करता है ऑयली नहीं करता है एंड ये इट मॉइस्चराइजेज एंड हाइड्रेट योर स्किन रियली रियोली वेल तो ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है मे को ये एज अ डे टाइम मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा

थिक इनाफ कि आपकी स्किन को डैमेज करे सो उसके वजह से आपकी स्किन ना एक्सपोलिएट हो जाती है थोड़ा सा आप स्क्रब कर सकते हो एंड उसके बाद यू लीव इट ऑन एंड जब ये ड्राई हो जाओ तो वॉश अप कर सकते हो इसको सो इट इज़ बेसिकली अ टू इन वन प्रोडक्ट ये आपकी स्किन पे स्क्रब और मास्क दोनों का काम करता है एंड बिकॉज इट इज़ अ क्ले मास्क तो अगर आप कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा प्लस इसमें वाइटमिन सी है तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा इवन टोन देगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मैं इसको वीक में एक बार यूज़ करती हूँ एंड इट जस्ट ब्राइटन्स माई फेस आप तो ये अगर आपको एकदम ही लो एफर्ट स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए वीकेंड के लिए तो आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एंड या इट इज़ अ गुड 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 प्रोडक्ट नेक्स्ट कमिंग टू ए सनस्क्रीन ये सनस्क्रीन है सनस्कूप की uh, ये वाली सनस्क्रीन है ब्राइटनिंग क्रीम सनस्क्रीन विद एस पी एफ फिफ्टी प्लस पी ए प्लस 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 यू वी ए दोनों का इसमें प्रोटेक्शन है प्लस इसमें एंड एल्फा आबूटिन है तो अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं डार्क स्पॉट्स है पिगमेंटेशन है, है तो बेसिकली ये उस पर भी काम करेगा प्लस आपको साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन भी देगा नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर ऑफ दिस सनस्क्रीन आप देख सकते हो मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है बिकॉज मैं इसको भी एक मंथ से ज़्यादा से यूज कर रही हूँ एंड दिस इज वॉट लुक्स लाइक स्लाइटली में थोड़ा वाइट कास्ट लीव्स दिस ग्लो अगर आप देख सकते हो ये ग्लो एक्चुअली फेस पे भी रहता है ये वाली सनस्क्रीन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिव्यू करने को बोला था एंड मैं इसको पूरा यूज करके तभी इसका रिव्यू देना चाहती थी एंड इज़ अ वेरी 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 गुड सनस्क्रीन ऑल दो ये ड्राई स्किन को ज्यादा पसंद आएगी बट इवन इफ आर ऑयली स्किन आपको भी अच्छी लगेगी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है एंड इसने मेरे को ब्रेकआउट नहीं किया एंड uh, you know, इस ह्यूमिड मौसम में भी मैं इसको लिटरली रोज अपलाई हूँ, मेरी वैनिटी में अभी इसके अलावा और कोई भी सनस्क्रीन ओपन नहीं रखी है तो मैं इसको डेली यूज करती हूँ एंड इट हैज बीन यू नो एन अमेजिंग प्रोडक्ट अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देती है साथ ही में सन प्रोटेक्शन भी देती है सो या इट इज अ वेरी वेरी गुड सनस्क्रीन

एंड दिस इज द एक्वलॉजिका की डी टैन डू सनस्क्रीन ना एक्वेलॉजिका की सारी ही सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बट स्पेसिफिकली दिस रेड वन इज़ आर फेवरेट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड या नो अदर रीजन इसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी है तो अगेन ये आपके फेस को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देती है सो या इट इज़ अगेन अ वेरी 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 गुड सनस्क्रीन तो अनदर सनस्क्रीन दैट आई रियली रियली लाइक इज दिस वन ये डॉट इन की वाइटामिन सी सुपर ब्राइट सनस्क्रीन है ये वाली जो सनस्क्रीन रेंज है मतलब डॉटन की की जो सनस्क्रीन रेंज है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सनस्क्रीनज हैं एंड ऐसे ब्लेंड हो जाती है ना इवन माई ब्रदर हु डज नॉट डू स्किन केयर फॉर आई डोंट नो वट रीज़न बट इवन ही लाइक्स दिस सनस्क्रीन एंड कभी अगर उसको ये सनस्क्रीन में दे देती हूँ तो वो लगा लेता है सो इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन बहुत लाइट वेट है जीरो व्हाइट कास्ट है बहुत 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 अच्छी सनस्क्रीनज है एंड इसकी रेड um, वाली सनस्क्रीन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है बट या दिस ऑरेंज वन इज़ माई कल्ड फेवरेट फॉर एनी स्पेसिफिक रीज़न जस्ट दैट ये वाली रेंज सबसे पुरानी है डॉट इन की मैं एंड मैं इस वाली रेंज को ना काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ सो इट इज़ जस्ट दैट यू नो आई जस्ट कीप रीचिंग बैक to this uh, vitamin C valley range but other than that also the pink wala sunscreen from this range is also really really good a be a double pack this because I already have a lot of sunscreens to try out but yes this is a good sunscreen under 500 rupees so you can check it out

इट डज़ नॉट मूव माई मेकअप इट डज़ नॉट यू नो मैसअप माई मेकअप एंड ये काफ़ी ज्यादा अच्छा है तो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ प्रोडक्ट जिससे कि आपका सनस्क्रीन री एप्लीकेशन ईजी हो जाए तो ये वाली जो स्प्रे सनस्क्रीन है काफी ज़्यादा अच्छी है एंड इट विल सूट ऑल स्किन टाइप्स मेरी ऑयली एक्ने प्रोन्न स्किन टाइप है एंड इट डज़ नॉट ब्रेक मी आउट सो इट इज़ अ गुड 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 सनस्क्रीन इसके अलावा मैंने एज सच कोई भी स्प्रे सनस्क्रीन ट्राई नहीं करी है सो या आई रियली लाइक इट एंड दिस इज माई थर्ड बॉटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली वाली बॉटल मुझे क्लाब लविंग इट जस्ट स्मेल्स लाइक समर्ट ऑफ बेबी प्रोडक्ट आई एम नॉट श्योर बट फ्रेगरेंस इज अ पार्ट ऑफ देर इनग्रीडियंट लिस्ट लास्ट इनग्रीडियंट है आप इसको स्कीप कर सकते हो

फ़ेस वॉश जो कि आपकी स्किन को साफ कर दे एंड इट डज नॉट यू नो हैव एनी एक्टिव इन्ग्रीडियंस सो अगेन यू गाइज नो माई होली ग्रेल प्रोडक्ट इज़ दिस सिंपल का रिफ्रेशिंग जेल फेस वॉश एंड मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ लाइक बिकॉज आई डू मेकअप किसी किसी दिन आई डू लाइक टू टू थ्री लुक्स इन वन डे सो मॉर्निंग और इवनिंग में तो आई यूज़ माई एक्टिव बेस्ड फेस वॉश बट पूरे दिन मैं एक्टिव वाला फ़ेस वॉश नहीं यूज कर सकती हूँ वरना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और तो मेरा स्किन का बैरियर है ना वो डैमेज हो जाएगा सो so, इसीलिए जो इन बिटवीन शूट्स मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो यही फेस वॉश होता है टू रिमूव माई मेकअप एंड ऑल बिकॉज इट इज जस्ट वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट क्लींस माई स्किन थर्ली विदाउटिंग स्किन नेचुरल ऑयल सो इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर मुझे आजकल ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दिस इज द एक्वाजिका का टब एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस टब इट इज ह्यूज ये 200 ग्राम का टब है एंड लुकेट इट आई हैव एम टीड इट मोर देन हाफ एंड मेरे पास ना इसका चार अभी बैकअप में पड़े हुए हैं बिकॉज आई गॉट एट सेल पे बाई वन गेट वन वाली सेल पे एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट ऑल द थ्री वेरियंट्स बट मुझे ये वाला इतना पसंद आ गया एंड आई एम समन जिसको ना नहीं पसंद कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट अभी ओपन है तो मैं दूसरा प्रोडक्ट उतनी जल्दी नहीं ओपन करती हूँ बिकॉज देन इट डिज़ नॉट मेक सेंस टू मी तो अभी मेरा ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आई विल स्विच टू द अदर वेरियंट बट फॉर नाउ आई लव दिस मॉइस्चराइजर इट इज सो गुड जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी इट इज जेल लाइक एंड ये एकदम से बस मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट फील्स लाइक वाटर बिल्कुल भी स्किन पे हैवी uh, नहीं फील होता है एंड ये जो चिपचिप चिप वाला मौसम है ना उसके लिए तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है बट इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्राई स्किन ड्राई स्किन वालों को ये नहीं पसंद आता है अगेन माई मोहम्म वन इवन दो जो इसका सेरेमाइड वाला वेरियंट है इट इज मेंट फॉर ड्राई स्किन बट वो ड्राई स्किन को नहीं सूट करता है इट इज़ नॉट हाइड्रेटिंग इनफ फॉर ड्राई स्किन सो येस अगर आप ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो तो आपको ये मॉइस्चराइजर पसंद आएगा बट अंडर माई मेकअप आई लाइक टू यूज अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर क्योंकि मेकअप लगाने के बाद ना स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड अगर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर नीचे होता है ना इट जस्ट ड्राइज अप रियली क्विक एंड उसके बाद मेकअप uh, थोड़ा सा क्रैकी लग सकता है सो अंडर माय मेकअप आई लाइक टू यूज़ दिस पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र जो इसका ब्लू वाला वेरियंट है ना वो मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ ये वाला मैं मेकअप uh, के नीचे यूज़ करती हूँ एंड यू कैन सी हाउ मच आई यूज इट एंड ये जो है ना ये क्रीम बेस्ड है बट इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट जस्ट एट इट इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन टू माई स्किन मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक क्रीम नहीं है सो इवन इफ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन आपको ये जम जाएगा बट इफ़ यू आर समझ जिसको बहुत यार... थी मॉइस्चराइजर पसंद है तो अगेन आपको उतना पसंद नहीं आएगा बट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन या इवन ऑयली स्किन अंडर मेकअप यू कैन यूज दिस इवन नाइट में आप इसको यूज कर सकते हो एज एन ऑयली स्किन पर्सन क्योंकि ओवरनाइट आपकी स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज um, कर देता है एंड सुबह ना बहुत ही सपल स्किन के साथ आप उठोगे सो येस इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड आई थिंक वी आर डन वो ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज जो करंटली मेरी वैनिटी में रखे हुए हैं एंड देट आई हैव बीन सेज तो मैं सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड येस दैट इज इट फॉर टू डेज वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ हेल्पफुल लगाओ इफ सो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय